माय एक्सचेंजर सैलरी आफ्टर टू ईयर ऑफ एक्सपीरियंस क्योंकि यार जब भी हम कोई नई कंपनी ज्वाइन करते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी इस बात की होती है कि अगर हम एक कंपनी में के काम करते हैं फॉर अ टू ईयर फ़ॉर अ फोर ईयर तो आफ्टर दैट मेरी पैकेज कितनी बढ़ेगी या फिर मैं किस लेवल पे रहूँगा क्योंकि हमें ये तो पता है कि अगर हम कंपनी स्विच करते हैं तो हमें अच्छे पैकेज मिलते हैं बट प्रॉब्लम्स आती है कि आप इतनी जल्दी क्यों स्विच कर रहे हो तो कुछ लोग चाहते हैं कि हम अगर एक ही कंपनी में टिक्के रहते हैं तो हमारी सैलरी कितनी ग्रो होगी लाइक like जैसे कि आप कह सकते हो कि टॉप कंपनीज एमएनसी का ले लो आप अमेजोन है गूगल है तो लोग इससे कंपेयर करते हैं सर्विस बेस्ड कंपनी को ठीक है तो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट बेस्ड एंड सर्विस बेस्ड सैलरी का भी और काम के प्रेशर का भी तो देखो अब हम बात करते हैं एक्सेंचर पे क्योंकि जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी तो मैंने ये बहुत सारे रिसर्च करे थे गूगल करे थे बट मुझे इस प्रकार के इस टाइप्स के वीडियो नहीं मिले थे कि हर ईयर सैलरी कितना ग्रो होगा या फिर कितना परसेंट की हाइक मिलेगी क्योंकि हर एक बंदा अपनी सैलरी छुपाना चाहता है आई डोंट नो वाई भाई जितना कमाते हैं कमाते हैं जितनी हैसियत है वो हैसियत है हमारी तो देखो यार जब तुम एक्सेंचर ज्वाइन करोगे एज अ फ्रेशर अभी भी तो वो तुम्हें भले ही चार लाख का पैकेज बोले या फिर फोर पॉइंट टू लाख का पैकेज बोले एक्चुअल में इन हैंड पे बात करते हैं क्योंकि मुझे ना पता नहीं क्यों सीटीसी जो बताते हैं पूरा का पूरा कि इतना आपका पैकेज है या इतना सी मुझे वो समझ में नहीं आता मुझे बस इतना समझ में आता है कि इन हैंड मेरे अकाउंट में कितना क्रेडिट होगा बस ये बताओ तो जो एक्सटेंशन में तुम्हारे अकाउंट में अभी तुम 2022 में ज्वाइन करोगे तो जो तुम्हारे इन हैंड क्रेडिट होंगे वो होंगे 28,189 या 170 रुपीस के अराउंड में तो बोलोगे फोर लाख का पैकेज है बाद बाकी पैसे कहाँ गए भाई पे जो तुम्हें वेरिएबल पे देते हैं वो वो वहाँ पे वो कितना होता है वो तुम्हारे ऑफर लेटर में मेंशन होगा अगर तुम फ्रेशर हो तो सेवन टू एट परसेंट अगर एक्सपीरियंस हो तो तुम्हारे एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि तुम्हारी सैलरी कितनी है अब हम बात करेंगे सेकेंड टॉपिक की कि और पैसे कहाँ कटते हैं तो देखो अट्ठारह पर महीने तुम्हारे पी के पैसे कटते हैं और जैसे तुम बैगलोर में हो या फिर मुंबई पुणे में हो तो उन सिटी का कुछ चार्जेस होता है वन एटी या टू हंड्रेड रुपीज़ पता नहीं वो क्या होता है बट वो चार्जेस भी कटते हैं उसके अलावा वही तुम्हारा इंश्योरेंस वगैरह का दैट सेट तो ये तुम्हारी हो गई सैलरी अब सैल इनमें से किसी लो, कुछ लोगों का तुमने सुना होगा कि भैया हमको तो थर्टी मिलता है हमको तो थर्टी दे रहे हैं तो देखो सैलरी उनकी ट्वेंटी ही होती है बट अलाउंस मिलती है सबको पता है अब अलाउंस तीन टाइप के होते हैं क्या टाइप के होते हैं नाइट शिफ्ट दूसरा ऑन कॉल सपोर्ट अगर आप नाइट शिफ्ट लगाते हो ठीक है तो आपको अराउंड फाइव हंड्रेड रुपीज़ पर नाइट का मिलता है और अगर ऑन कॉल सपोर्ट में हो आप तो अराउंड टू हंड्रेड फिफ्टी या टू हंड्रेड रुपीज़ पर डे का मिलता है ये मेरी ही कंपनी एक्सेंचर का ही नहीं हर कंपनी का यही सीन होता है ठीक है किसी में थोड़े पैसे ज़्यादा किसी में थोड़े पैसे कम तो वो सब मिल के आपको मिल जाते हैं बट ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा टाइम आपको ही नाइट शिफ्ट रहेगी डिपेंड करता है प्रोजेक्ट में अगर प्रॉपर नाइट शिफ्ट की प्रोजेक्ट है तो चलेगा फिर तो पैसे ही पैसे हैं नहीं नाइट शिफ्ट की प्रोजेक्ट है तो फिर अल्टरनेटिव चलता है हफ्ते दिन के लिए किसी और के लिए हफ्ते दिन के लिए किसी और के लिए अब मेरे जैसे जो लोग हैं भैया हमको नाइट शिफ्ट बिल्कुल पसंद नहीं है अब उनको मांगता ही नहीं है चाहिए ही नहीं जिंदगी में आँखें नहीं खुलती है रात को बारह बजे के बाद नींद आता है काम करी थी मैंने एक बार सैमसंग कंपनी में यार सो गया था मैं रात को टेबल पे ही बारह बजे के बाद तो मेरे लिए तो नाइट शिफ्ट बिल्कुल सही नहीं है यार तो अब आते हैं मेन मुद्दा पे कि सैलरी बढ़ती कितनी है तो देखो यार ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन लेकिन हमेशा मेरा मानना है कि अगर किसी का 100 परसेंट बढ़ गया किसी का 80 परसेंट बढ़ गया तो मैं उसको कंसीडर नहीं करता हूँ मैं उसी को कंसीडर करता हूँ जो एवरेज लोगों का बढ़ता है तो सबसे पहली बात करें एक साल में कितनी ग्रो होगी तो एक साल में मैक्स टू मैक्स जो तुम्हारा सी है उस पर एट परसेंट का ग्रो करेंगे ठीक है दैट सेट और कुछ भी नहीं करेंगे ग्रो अब आठ परसेंट बोलोगे एग्जैक्ट होगा नहीं डिपेंड करता है किसी के सेवन परसेंट किसी के एट परसेंट किसी के नाइन परसेंट किसी के टेन परसेंट किसी के कुछ भी नहीं बट तुम लगा लो एट टू टेन जो होता है वो एवरेज है हमारे बीच टाइम में भी था अभी मैं भी मैंने बंदों से बात करी उनका वही हाल है और तुम लोग भी आओगे तो ऐसा ही होगा अब जब तुम्हारा प्रमोशन होगा तो प्रमोशन में तुम्हारी एटलीस्ट कम से कम ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट की हाइक होती है अब तुम्हें सुनने में तो लग रहा होगा ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट बहुत है बट टेन थाउजेंड रुपीज़ ही बनते हैं टोटल सब कुछ जोड़ोगे तो 30 28,000 का निकालोगे ना 30 परसेंट थर्टी तो इतना ही निकलेगा तुम्हें टेन ही तो एक साल बाद या दो साल बाद प्रमोशन जब भी तुम्हारी होगी तो तुम्हारी सैलरी इतनी ही बढ़ेगी एज अ एवरेज पर्सन अब किसी की 50 परसेंट बढ़ गई तो उसके पीछे मत पड़ना इट्स डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन अब एवरी वन कॉमेंटिंग इन माई वीडियो कि भैया ये टेकलीप क्या है तो देखो यार एक्सेंचर में एक टेक्लिप का प्रोग्राम है जिसमें यह होता है कि तुम्हें एक कोर्स दी जाती है या फिर तुम अपने हिसाब से कोर्स चूज करो और तुम्हें वो कोर्स कंप्लीट करनी और जैसे ही तुम वो कोर्स कंप्लीट कर दोगे तो उसके बाद तुम्हें एक एग्जाम देना है तुम अगर उस एग्ज़ाम में पास कर जाते हो तो जैसे कि दो टाइम प्रमोशन होता है एक्सेंचर में एक बार जून में एक बार नवंबर में तो अगर तुमने जुलाई में दिया तो नवंबर साइकिल में अगर तुमने जनवरी में दिया तो जून साइकिल में तो तुम्हारी प्रमोशन हो जाएगी ये एक फास्टेस्ट वे है प्रमोशन लेने का तुम गूगल पे भी सर्च कर सकते हो एक्सटर्नल लोग भी देख सकते हैं ये चीज़ एक्सेंचर की ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे लगी पर्सनली कि अगर आपको प्रमोशन लेना है तो आप एग्ज़ाम दो क्लियर करो इफ यू हैव नॉलेज तो आपको प्रमोशन मिल जाएगी अदरवाइज प्रोजेक्ट में अच्छा परफॉर्म करोगे तो एक लिमिटेड टाइम बाद मिल जाएगी तो फाइनल अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो देखो ज्वाइनिंग टाइम में तुम्हारी सैलरी होगी ट्वेंटी एट थाउजेंड वन हंड्रेड कुछ रुपीज़ उसके बाद एक साल बाद अगर तुमने टेकली के थ्रू नहीं प्रमोशन लिया तो तुम्हारी सैलरी एट टू टेन परसेंट एवरेज पर्सन की तरह ग्रो होगी या फिर कुछ प्रॉब्लम हुई तो वो भी ग्रो नहीं होगी और अट्ठारह मंथ से ट्वेंटी फोर मंथ के बीच में अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया तो आपकी प्रमोशन होगी तो उस टाइम आपकी सैलरी थर्टी टू थर्टी फाइव परसेंट बढ़ेगी बट ये भी श्योर होकर मत चलना क्योंकि इट्स डिपेंड पर्सन टू पर्सन बट एवरेज लोगों की कहानी मैं तुम्हें बता रहा हूँ सेम अगर तुम टेक्लिप के थ्रू भी करते हो तब भी यही चीज़ होगा तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और कंपनी के सैलरी के बारे में डिस्कस करना है तो डू कॉमेंट तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर